Hey guys, welcome to our new video, FinCard video tutorials. इस वीडियो में हम अपना फिफ्थ प्रोजेक्ट करेंगे जो कि एलईडी चेस इफेक्ट है. जल्दी से देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या कंपोनेंट्स चाहिए. तो हमें इस वीडियो के लिए इन दो कंपोनेंट्स की ज़रूरत है. सबसे पहले हमें 10 रेड एलईडी चाहिए और 10 करंट लिमिटिंग रेसिस्टर्स. ये पार्ट्स रिक्वायर्ड है जो आपके प्रोजेक्ट में दिया हुआ है इनकार्ड के ट्यूटोरियल में. इस वीडियो में हम लोग जो प्रोजेक्ट करेंगे उसमें हम लोग सिर्फ 8 एलईडी यूज करेंगे और 8 करंट लिमिटिंग रेसिस्टर्स का जरूरत पड़ेगा. इसके अलावा जम्पर वायर्स, ब्रेडबोर्ड और आर्डिनो का तो ज़रूरत है ही. चलिए सबसे पहले सर्किट को देखते हैं. ये सर्किट अभी हम इस वीडियो में करने वाले हैं. इस सर्किट में जो कनेक्शन है वो बहुत ही बेसिक कनेक्शन है. बेसिकली ये एक स्ट्रिंग है एलईडी का. तो सबसे पहले तो एक एलईडी के कनेक्शन को समझते हैं. उसके बाद जो भी बाकी सारे एलईडीज हैं उसको आप ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हैं जैसे हम एक एलईडी को कनेक्ट करते हैं. जो हमारा लॉन्गर लेग होता है उसको सबसे पहले यहाँ पर रेसिस्टर से कनेक्ट किए, करेंट लिमिटिंग रेसिस्टर से. फिर करेंट लिमिटिंग रेसिस्टर को जंपर वायर के थ्रू यहाँ डिजिटल पिन नंबर 13 में कनेक्ट कर दिए. और उसके बाद ये जो हमारा शॉर्टर लेग है उसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पर लेके आए और ये जंपर वायर्स के थ्रू ला सकते हैं आप या फिर डायरेक्टली भी जैसे आप चाहें. और उसके बाद यहाँ जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है उसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए जिससे कि ये सारा कनेक्शन जो है ये ग्राउंड हो गया. तो सारे जो LEDs है उसका जो शॉर्टर लेग है वो ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया और जो लॉन्गर लेग है सॉरी जो लॉन्गर लेग है वो रेसिस्टर्स के थ्रू कनेक्ट होके यहाँ पर डिजिटल पिन से कनेक्ट हो गया. तो अब क्योंकि हम लोग सिर्फ 8 LEDs यूज़ कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए तो जो कन्वीनियंट होगा हमारे लिए कि हम ये आगे के दो LEDs को हटा दें, मतलब कि ये दो LEDs को भूल जाइए और सिर्फ हमें ये इन 8 LEDs को कनेक्ट करना है. राइट से हम 8 LEDs को 4 to 11 डिजिटल पिन नंबर्स में कनेक्ट करेंगे और एज इट इज़ ये कोड में हम यूज करेंगे डिजिटल पिन नंबर्स ताकि हमें आसानी हो कोड को समझने में. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोड को अपलोड करके चेक कर लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारा काम कैसा कर रहा है. फिर हम कोड को समझेंगे कि उसके पीछे लॉजिक क्या था. तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना सर्किट कनेक्ट कर लिया है. आई होप कि आपने भी कनेक्ट कर लिया होगा. ये बेसिकली वैसे ही कनेक्ट किया जैसे हमने डिस्कस किया था. और राइट से इसको ऐसे कर लेते हैं. तो राइट से जो कनेक्शन है वो जो राइट का सबसे राइट मोस्ट एलईडी है वो पिन नंबर 4 से कनेक्टेड है और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो पिन नंबर्स है वो कंटिन्यूस है. तो पिन नंबर 11 तक हमारा 8 LEDs कनेक्टेड है. तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना कोड टाइप कर लिया है. तो जो आपका इनकार्ट में कोड दिया हुआ है उसमें जो चेंजेस आए हैं उसको मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ. तो सबसे पहला चेंज आता है ये फर्स्ट लाइन में जहाँ पे हम एलईडी पिन लेड पिन जो एरे डिक्लेयर किया है उसमें हम 12-13 नंबर यूज़ नहीं कर रहे हैं. वो हम लोग जब आगे डिस्कस करेंगे तो फिर मैं फिर से एक बार पॉइंट आउट करूँगा कि यहाँ पे हम 11 तक ही रुक जाते हैं. 4 to 11 जो हमारा 8 LEDs है वो कनेक्टेड है जैसा कि मैंने बताया यहाँ राइट से लेके लेफ्ट तक. फिर चूंकि ये हमारा लेड पिन का जो साइज है वो 8 एलिमेंट्स का है तो जो वाइड सेटअप फंक्शन में हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं उसमें जो ये यहाँ पे कंडीशन है ये एक्सिस लेस देन 8 होगा जो कि आपके बुक में एक्सिस लेस देन 10 दिया हुआ है. तो ये बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस एरे है. ये जो एरे है इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हम लोग यहाँ पे डालते हैं तो यहाँ पे 8 कर देंगे उसको. फिर सिमिलरली यहाँ पे भी चेंज एलईडी फंक्शन में फॉर लूप का जो कंडीशन है उसमें 8 कर देंगे इसको जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. और यहाँ पे इफ करंट एलईडी जो कंडीशन है यहाँ पे आपके बुक में 9 दिया हुआ है इसको 7 कर देंगे. हम समझेंगे जब कोड को सब हम समझेंगे तो हम समझेंगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था, इसको चेंज करने का लॉजिक क्या था. तो चलिए सबसे पहले कोड को अपलोड करके देखते हैं क्या होता है. तो अब मैं USB कनेक्ट कर देता हूँ PC से. USB कनेक्ट करने के बाद जो दो चीज़ हमें याद रखनी है कि वो टूल्स में हमें जाके बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है. हम लोग आर्डिनो जेन्युइनो उनो बोर्ड यूज कर रहे हैं और हमें पोर्ट भी सिलेक्ट कर लेना है जो कि COM3 है. मेरे PC के लिए COM3 है, आपके लिए दूसरा भी हो सकता है COM4 COM5 COM6 COM7 कुछ भी हो सकता है. उसे आप सिलेक्ट करना ना भूलें. यहाँ पे मेरे पहले से सिलेक्टेड है. अगर आप में सिलेक्टेड नहीं है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए नहीं तो कोड अपलोड नहीं होगा. तो आप कोड को वेरीफाई कर लेते हैं.
आप देख सकते हैं कि मैंने कोड को वेरीफाई कर लिया, इसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं है। तो आप कोड को अपलोड भी कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चेस इफेक्ट क्रिएट हुआ है। एक एलईडी एक थोड़ी देर के लिए जलता है, बहुत ही कम टाइम के लिए, 65 मिलीसेकंड्स और एक्चुअली ये दिया गया है, कोड समझते वक्त वो समझेंगे। तो थोड़ी देर के लिए एक एलईडी जलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि ये इतना फास्ट हो रहा है तो वो हमें जो दिख रहा है वो एक तरह का चेस इफेक्ट दिख रहा है। तो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन है, एक रिवर्स डायरेक्शन है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन को हम लोग कोड के टाइम अच्छे से समझेंगे। तो ये था हमारा एलईडी चेस इफेक्ट। अब कोड को समझते हैं, कोड के पीछे का लॉजिक को समझते हैं। तो ये जो आप स्क्रीन पे कोड देख रहे हैं, ये वही कोड है जो आपके बुक में दिया गया है। इसमें 10 LEDs यूज किए गए हैं, 10 एलिमेंट्स है लेड पिन एरे के। तो सबसे पहले तो बाइट डेटा टाइप का लेड पिन एरे एक डिक्लेयर किया गया है, जिसके 10 एलिमेंट्स हैं बुक में। बुक में 10 एलिमेंट्स है, लेकिन जो हमने कोड यूज किया था उसमें 8 एलिमेंट्स ही थे। तो ये जो 1213 था ये हमने यूज नहीं किया था, क्योंकि हमने 8 LEDs ही यूज किए थे। उसके बाद हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर टाइप का, जो कि लेड डिले है। वो डिले बताता है दो चेंजेस के बीच में, मतलब एक एलईडी से दूसरे एलईडी जाने के बीच में जो टाइम डिले है उसको ये हम कॉन्स्टेंटली डिफाइन कर दिए यहाँ पे 65। एक्चुअली ये 65 मिलीसेकंड्स होगा, जो कि हम आगे देखेंगे कि वो डिले फंक्शन के साथ यूज होने के बाद वो मिलीसेकंड्स हो जाता है। फिर डायरेक्शन मैंने बताया था, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन को हम लोग 1 मान लेते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन को हम लोग -1 मान लेंगे। तो -1 कहाँ पे चेंज करना है वो देख लेंगे। तो डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इंटीजर टाइप का, जो कि डायरेक्शन है। अब करेंट एलईडी एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, जो कि ये हम ट्रैक करेंगे कि कौन सा एलईडी अभी प्रेजेंटली मेरा जल रहा है। उसके बाद जो एलईडी टर्न्ड ऑन है उसके बाद का नेक्स्ट का एलईडी, ऐसे करंट एलईडी जो है हम ट्रैक करने के लिए कि सबसे अभी जो करंटली जो एलईडी चल रहा है वो कौन सा है, उसको ट्रैक करने के लिए हमने ये वेरिएबल यूज़ किया है। फिर चेंज टाइम एक वेरिएबल है जो कि अनसाइंड लॉन्ग टाइप का है, ये हम टाइम ट्रैक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। देखेंगे आगे कैसे यूज करना है इसको। अब हम आते हैं सेटअप फंक्शन में। तो यहाँ पे हमने एक फॉर लूप का यूज़ किया है, यही एडवांटेज है इस लेट पिन एरे यूज करने का। ये एडवांटेज हुआ कि हमने 8 जो कि कोड में और यहाँ पे 10, तो 8 डिफरेंट पिन मोड फंक्शन का यूज नहीं किया हमने, और हमने हर डिजिटल पिन को उसको एरे के इंडेक्स के थ्रू पॉइंट आउट कर लिया और उसको चेंज कर दिया पिन आउटपुट मोड में। सो हम फॉर लूप यूज करके सारे डिजिटल पिन के पिन मोड को हम चेंज कर देते हैं आउटपुट में, और फिर उसके बाद हम लोग चेंज टाइम में रिकॉर्ड करते हैं, चेंज टाइम को सेट करते हैं मिलीस मिलीस, जो कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मिलीस जो फंक्शन है वो रिटर्न करता है टाइम जब सिंस द आर्डिनो वॉज पावर्ड, मतलब जब से आर्डिनो को हमने पावर दिया था तब से अभी तक कितना टाइम इलेप्स हो चुका है उसको वो रिटर्न करता है। तो चेंज टाइम में हम वो टाइम रिकॉर्ड कर दिए, मतलब बेसिकली ये करंट टाइम है कि करंट टाइम मेरा कितना खर्च हो चुका है अभी तक आर्डिनो स्टार्ट होने के बाद। और उसके बाद हम लूप फंक्शन में आते हैं, और जो यहाँ पे एक कंडीशन चेक कर रहे हैं हम लोग कि इफ मिलीस माइनस चेंज टाइम इज ग्रेटर देन डिले लेट डिले। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि एक एलईडी जब हम टर्न ऑन करते हैं और दूसरे एलईडी के टर्न ऑन के बीच में मेरा जो डिले होना चाहिए वो 65 मिलीसेकंड का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हर हर बार हम जब भी टर्न ऑन कर दिया एलईडी को, उसके उसी टाइम हम चेंज टाइम को अपडेट कर देंगे उस करंट टाइम पे, और तब तक वेट करेंगे जब तक जो मिलीस है, जो टाइम है वो 65 सेकेंड्स और आगे बढ़ गया हो। तो मिलीस माइनस चेंज टाइम उस टाइम जैसे ही 65 से बड़ा हो जाएगा वैसे ही हम एक चेंज एलईडी फंक्शन, जो कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उसको कॉल करेंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन का डेफिनेशन आगे आगे हम देखेंगे कि उसमें है क्या, एक्चुअली कोड क्या है। और फिर लास्टली हम चेंज टाइम को मिलीस, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि चेंज टाइम इज इक्वल टू मिलीस वापस से कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही एक एलईडी टर्न हुआ हम चेंज टाइम बता दिए, मतलब उसमें रिकॉर्ड लिए कि इस मिनट पे मेरा ये एलईडी टर्न हुआ था। और फिर हम चेक कर रहे हैं, हर बार चेक करते जा रहे हैं, क्योंकि लूप में जो भी कोड है वो बार बार रन होते रहता है। तो हर बार चेक कर रहे हैं कि मिलीस जो मेरा करंट टाइम है वो पिछले चेंज टाइम से जब हमने एलईडी ऑन किया था उससे लेट डिले टाइम्स बड़ा हो गया कि नहीं, मतलब लेट डिले से वो ज़्यादा हुआ है कि नहीं। तो ये इस इफ स्टेटमेंट में हम कर रहे हैं।
तो अब हम देखते हैं चेंज एलईडी यूजर डिफाइंड फंक्शन। इस फंक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये इंश्योर कर लेते हैं कि सारे एलईडी टर्नड ऑफ है सबसे पहले, चाहे वो जो अभी करेंटली टर्नड ऑन एलईडी है या कुछ भी है। तो सारे एलईडी को हम एक फॉर लूप यूज करके उसका स्टेट को चेंज करके लो कर देंगे डिजिटल लाइट फंक्शन का यूज करके। इसमें भी एक हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं। और उसके बाद हम जो करंट एलईडी है, करंट एलईडी हम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं, जब आर्डिनो को पावर देते हैं, जैसे ही कोड अपलोड होता है उस टाइम करंट एलईडी 0 है, मतलब पहला एलईडी, ये एलईडी जो है हमारा 0th एलईडी है। तो ये एलईडी मेरा पहला एलईडी है। तो जैसे ही हम कोड मतलब अपलोड करते हैं तो करंट एलईडी उस टाइम मेरा 0 है, उसके बाद वो धीरे धीरे आगे इंक्रीमेंट होगा। तो जो करंट एलईडी है उसको हम टर्न ऑन कर देते हैं, उसका स्टेट चेंज करके हाई स्टेट में कर देते हैं वही डिजिटल लाइट फंक्शन का यूज करके। उसके बाद हम करंट एलईडी को डायरेक्शन से इंक्रीज कर देते हैं। ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब होता है करंट एलईडी इज इक्वल टू करंट एलईडी प्लस डायरेक्शन, इंक्रीमेंट द बाई डायरेक्शन वैल्यू, मतलब करंट एलईडी को एक डायरेक्शन वैल्यू से इंक्रीमेंट कर देता है। और डायरेक्शन को हमने पहले ही 1 ले रखा है फॉरवर्ड के लिए, और बैकवर्ड के लिए हमने -1 लेंगे हम उसको। तो जैसे ही हम करंट एलईडी 9 पे पहुंचता है, मतलब जैसे ही यहाँ पे आएगा, हमारे लिए 8 है ये, सॉरी ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 7 हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7th एलईडी हो गया मेरा। तो यहाँ पे जैसे ही ये यहाँ पे 9 है, जब हम 10 एलईडी यूज करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और जब हम 8 एलईडी यूज करेंगे तो 7 हो जाएगा। वो कैसे होता है अभी मैंने आपको दिखाया कि हम काउंटिंग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों 0 से स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम जो उसका डिजिटल पिन्स है उसको हमने एक एरे में स्टोर किया है, और एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम जो एलईडीज को काउंट करेंगे वो 0 से काउंट करेंगे। तो यहाँ पे जो हाँ एक इफ स्टेटमेंट हो रहा है यूज़ किया है हमने, उसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि करंट एलईडी अगर 9 हो जाता है, मतलब अगर आप 10 एलईडी जब यूज कर रहे हैं तो वो 9 हो जाएगा जैसे ही करंट एलईडी, तो हम डायरेक्शन को चेंज करके -1 कर देंगे, मतलब अब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। और जब जैसे ही बैक मान लीजिए हम बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर आ रहे हैं, तो जैसे ही हम 0th एलईडी पे आते हैं तो अब मेरा फॉर्म को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो हम डायरेक्शन का वैल्यू फिर से चेंज कर देंगे 1 पे। तो ये एक बार में आइधर ये स्टेटमेंट आपका इन्वोक होगा या फिर ये स्टेटमेंट इन्वोक होगा, डिपेंडिंग ऑन हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे कि या रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे थे। तो बेसिकली यही हमारे पीछे जो चेस इफेक्ट का है लॉजिक है कि जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डायरेक्शन का वैल्यू 1 होगा, और हर बार हम लोग करंट एलईडी को जो है वो ट्रैक कर रहे थे, तो हर बार करंट एलईडी का वैल्यू डायरेक्शन के वैल्यू से जो कि 1 है इंक्रीमेंट करेंगे। तो जैसे ही 0 से स्टार्ट होगा तो वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर जैसे ही यहाँ पे आएंगे मेरा इफ स्टेटमेंट, ये वाला जो इफ स्टेटमेंट है, ये वाला जो इफ स्टेटमेंट है ये मेरा ट्रू हो जाएगा, तो ये वापस डायरेक्शन का वैल्यू -1 हो जाएगा, तो उसके बाद ये वापस जाने लगेगा। फिर जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो वापस से मेरा ये दूसरा वाला इफ स्टेटमेंट का ट्रू हो जाएगा, और उसके बाद हम वापस से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेंगे। तो ये इस जो प्रोजेक्ट था इसके पीछे के कोड का जो लॉजिक है ये अभी हमने देखा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अपने ये आपको ये प्रोजेक्ट भी पसंद आया होगा। ऐसे ही हम और भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आगे करते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग इनकार्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।